दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंजीनियर्ड बेस्ड कैसे होते हैं। अभी इस वीडियो में देखेंगे रस्ट बेस्ड कैसे होते हैं। ये रैंडमली मैंने एक बेस ग्लोबल से लिया है जो रस्ट है, तो हम देखेंगे उसका डिफेंस और अटैक स्ट्रेंथ कितना है। इसका टाउन हॉल 11 है और उसका कुछ भी अटैक मैक्स नहीं है, सॉरी कुछ भी डिफेंस मैक्स नहीं है। और इसके अभी ट्रूप देखिए, एक भी ट्रूप मैक्स नहीं है। हीरो भी लेवल 15 के नीचे है, हालांकि उसका ग्रैंड वार्डन भी है लेकिन वो बहुत ही लो है। और एक भी ट्रूप मैक्स नहीं है। इसके ट्रूप स्ट्रेंथ टाउन हॉल 9 के बराबर है। देखते हैं इसका डिफेंस कितना है। इसका डिफेंस भी बहुत ही लो है, टाउन हॉल 9 के जितना ही, टाउन हॉल 9 मैक्स के जितना ही। मोर्टर लेवल 7 के है, विजार्ड टावर लेवल 7 का है, ईगल 1 का है, कैनन 12 के है और बॉम टावर 2 का है, आर्चर क्वीन 14 का है। ये बहुत ही लो लेवल का डिफेंस है उसके टाउन हॉल के मुकाबले। अब ये देखते हैं कि इसके अचीवमेंट्स कितने हैं। तो पहले सभी अचीवमेंट उसने ले लिए हैं। ये जानना ज़रूरी है कि लास्ट के अचीवमेंट उसने कितने ले लिए हैं, क्योंकि टाउन हॉल 11 को वही अचीवमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने अभी तक 5000 बैटल नहीं जीता है। ये 5000 डिफेंड भी नहीं किए हैं, एक्सबो भी नहीं वो डिस्ट्रॉय कर पाया, इन्फेर्नो भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया। ईगल आर्टिलरी का भी उसने सेकंड स्टार नहीं लिया है अभी तक। तो ये इसके अचीवमेंट हैं। ये अचीवमेंट टाउन हॉल 9 और 10 के बीच के अचीवमेंट हैं। ये मैंने दूसरा बेस कॉपी किया है, इसमें लेवल 7 के वॉल्स हैं और बाकी सभी ट्रूप्स भी बहुत लो है सिवाय एक इन्फेर्नो के। देखते हैं, कुछ भी मैक्स नहीं है उसका, मीन्स डिफेंस में कुछ भी मैक्स नहीं है। शायद ये सिर्फ ड्रैगन से ही अटैक करता है। अभी उसके ट्रूप स्ट्रेंथ देखते हैं। हीरोज बहुत लो है उसके, उसने कुछ ट्रूप्स अनलॉक भी नहीं किए हैं। उसका गोल्ड ग्रैब भी बहुत ही कम है। शायद ये जेम से अपडेट कर रहा होगा। वॉल बस्टर भी नहीं है, 100 बैटल्स भी अभी तक जीत नहीं पाया है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जेम से ही अपडेट कर रहा है सभी। ये बहुत ही लो है, इसमें से उसने 2 स्टार भी नहीं निकाल पाया है बहुत से अचीवमेंट पे। मॉर्टर भी नहीं डिस्ट्रॉय किए हैं, 250,000 डार्क क्लिक साल भी क्लिक नहीं किया है, एक्सबो भी नहीं डिस्ट्रॉय किए हैं। दोस्तों, ये यूज़र अपना बेस रश क्यों करते हैं? पहली बात होती है कि ये लोगों को इन स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अनलॉक करना ही ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में वो लोग अपना टाउन हॉल अपग्रेड कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस बिल्डिंग परचेस कर लेते हैं, भले ही वो लेवल 1 के ही रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बेस के फायदे भी हैं, लेकिन फायदों से ज़्यादा इस बेस का नुकसान है। ये बेस का सबसे बड़ा ये फायदा है कि यूजर को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे बेस में सब चीज़ें हैं, सब डिफेंस अनलॉक किए हैं, और वो अनलॉक की हुई चीज़ें उसके सिमिलर लेवल के क्लैनमेट्स के पास नहीं होती है।
इन बेस का नुकसान ये होता है कि इन लोगों को कौन सा भी वॉर क्लैन अपने क्लैन में नहीं लेता, क्योंकि ये लोगों का वॉर परफॉर्मेंस बहुत ही लो रहता है, क्योंकि उनके ट्रूप्स ही इतने अच्छे नहीं होते कि वो अपने मिरर पे अटैक करें। इन प्लेयर्स को मल्टीप्लेयर अटैक में बहुत ही कम लूट मिलती है। अभी इस लूट कैलकुलेशन का हम टेबल देखेंगे। अभी इस टेबल में ये मेंशन किया है कि जब टाउन हॉल 11 का प्लेयर टाउन हॉल 8 पे अटैक करेगा तो उसको अवेलेबल लूट का सिर्फ 25% ही मिलेगा, और इन रस्ट बेस वालों के पास इतना अच्छा ट्रूप नहीं होता कि वो सेम लेवल के टाउन हॉल पे अटैक करें, तो हमेशा उनको अपने नीचे के 2 या 3 लेवल के मेंबर्स पे ही अटैक करना पड़ता है, तभी वो जाके जीत सकते हैं या फिर लूट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में उनको 50% से भी कम लूट मिलती है, और डिफेंस में उनके ऊपर सभी अपोनेंट्स 100% लूट लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उनके लेवल के ही होंगे या उनके निचले लेवल के ही होंगे। और बड़ा नुकसान ये होता है कि उनका गेम बहुत ही स्लो हो जाता है। सपोज़ उनके पास मैक्सिमम भी बिल्डर रहेंगे, मीन्स उनके पास 5 बिल्डर भी रहेंगे, तभी वो लोगों के पास इतना लूट कलेक्ट नहीं होता कि अपने सभी बिल्डर वो काम पे लगाए, तो उनके बिल्डर भी फ्री रहते हैं, और इस तरीके से उनका गेम भी स्लो हो जाता है, वो सभी अपडेट नहीं ले पाते हैं टाइम पे। गोल्ड और क्रिस्टल लीग ही इन प्लेयर को ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि इस लीग में वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रूप स्ट्रेंथ ही इसी लेवल की होती है। मास्टर्स या चैम्पियंस में इन लोगों को अपना बेस डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ रस्ट बेस वाले यूज़र ऐसा करते हैं कि अपने अटैक में एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल देखा, वो यूज़र सिर्फ ड्रैगन से ही अटैक करता था, तो उसने अपना ड्रैगन से ही अपडेट किया, अपने दूसरे ट्रूप्स पे उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, और वो ड्रैगन ही अपडेट करके वो अभी चैम्पियंस लीग में है, तो वो अपने सभी अटैक सिर्फ ड्रैगन से ही करता है। दोस्तों, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अपना टाउन हॉल तभी ही अपडेट करें जब आपके पास उस लेवल का मैक्स डिफेंस हो जाएगा। मैक्स डिफेंस हो जाने के बाद भी आप हीरो अपडेट करें, और हीरो भी मैक्स हो जाए तभी आप अपना टाउन हॉल अपडेट करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फार्मिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, फार्म कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।